मामा पापा किस लिए हो रहा है? हाँ बोलो ना, क्या चाहिए? गुड मॉर्निंग, आज है गुरुवार और सुबह के 7:30 हो रहे हैं। मैंने नहा लिया है और अब जा रही हूँ पूजा करने। तो चलिए इसी के साथ वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल अनवी स्पेशल एंड ब्लॉग्स। कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हमारा ब्लॉग को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये देखिए क्रिशो क्या कर रहा है यहाँ पर। करो हेलो, करो हेलो। अब क्या हो गया? चलो उठो। तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने, कृष्ण को थोड़ा कुछ खिलाती हूँ। हाँ बेटा चलो ना। पूजा पाठ खाना पीना सब चीज़ हो गया और क्रिशु नहा धो के सो गया। वो कब से परेशान कर ही रहा था सोने के लिए, लेकिन मैं ही थोड़ा लेट से सो लाई हूँ खाना पीना के चक्कर में। और वो सो रहा है ना, तो ये लोग आए थे खेतों में काम करने, तो मैं सोची थोड़ा सा बाहर भी ऐसे साफ़ करवा लेते हैं, ऐसे गंदा हो रखा था। घर पर कोई नहीं था ना शादी में, आप ब्लॉग में देखे ही होंगे कि हम लोग शादी में गए थे तो ऐसे टॉमी कुत्ते जो होते हैं वो बैठने लगे थे, तो अच्छा नहीं लग रहा था। और सू रैक भी धूप में डाल देते हैं, थोड़ी सूख जाएगी, लकड़ी का है ना तो थोड़ा सा धूप लगाते रहना चाहिए, तो सूखने के लिए डाल दिया गया है। और पाइप लगा कर पूरा घर को साफ़ कराया जा रहा है, तो ये लोग बहुत अच्छे से साफ़ कर दे रहे हैं। तो मैं खड़ा होकर साफ़ करा लेती हूँ फिर चलती हूँ किचन में। आज डिनर बनने वाला है पनीर पराठा, तो मैंने ये पनीर घर पे तैयार किया है, इसे क्रश कर लिया है। और इसमें देखिए छोटे छोटे अनियन चॉप्ड अनियन भी डाला है, बहुत बारीक चॉप्ड है। और ग्रीन चिल्ली है, ग्रीन चिल्ली मैं पाउडर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि क्रिशु भी खाएगा तो ग्रीन चिल्ली चुन लेंगे। और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ इसमें हाजमोला, तो हाजमोला थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा इसके लिए मैं डाल रही हूँ, तो इसे भी हम बारीक कूट के डाल लेंगे। और डाल देंगे इसमें थोड़े खड़ा धनिया को भी मैंने इसे क्रश कर लिया है, इसे टेस्ट ना बढ़ जाता है। और थोड़ी सी इसमें हम डाल देंगे अदरक, जो वही वो भी क्रश किया हुआ, तो ये अदरक भी हम डाल लेते हैं। और इसमें ना अब वो जो ऐसे मैं खड़ा डाल दी थी हजमोला, तो उसे मैं थोड़ा ऐसे बारीक करके डाल रही हूँ ताकि वो अच्छे से मिल जाए। आगे फिर हम डाल देंगे इसमें अदरक। इस ऐसे ना पराठा बनाइए तो बहुत अच्छा बनता है। और थोड़ा देर छोड़ देंगे ना तो सारे जो भी हम मसाले इसमें डाल रहे हैं वो भीन जाएंगे। और इसमें आप थोड़ा सा डाल सकते हैं गरम मसाला, लेकिन मैं ये सब इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि मुझे क्रिशु को भी खिलाना है साथ में, इसीलिए मैं थोड़ा सा वो कम ऐसे मीठा मीठा लगेगा ना, थोड़ा बहुत मसाला रहेगा तो आप कई तरह से बना सकते हैं। थोड़ी सी मैं खड़ा जीरा डाल दी हूँ और टेस्ट अनुसार इसमें नमक डाल दे रही हूँ। कुछ इस तरह बनाइए तो अब बहुत ही सही बनता है। और आटे में भर के आप पका सकते हो, बहुत अलग अलग तरीक़ों से बनता है, लेकिन मैं सिंपल में आ जल्दी में ऐसे बनाती हूँ, तो ये भी स्वाद में बहुत अच्छा लगता है। और ज़्यादा ज़्यादा फील करके बनाओ ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। इससे आप खूब अच्छे से हाथों से मैसते हुए उसको ये कर लेना है, मीन्स अच्छे से मैस कर लेंगे ना तो वो सारे मसाले भींग जाते हैं और वैसे टेस्ट इसका बढ़ जाता है। पनीर भी एकदम फ्रेश है तो खाने में बहुत अच्छा बना था। आप भी अपने किचन में इस तरह बनाइए और ट्राई कीजिए। आगे देखिएगा हमारे वीडियो में कोई आया है तो वो क्रिशु की भांजी है, तो आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। बहुत सही बना है, हमारा स्टफिंग तैयार हो गया है पनीर का। और आटा मैं लगा चुकी हूँ, रखी हूँ रेस्ट के लिए। आटा में थोड़ी सी केवल सॉल्ट लगा के
ताकि जब हम पराठा बनाए तो इसमें भी सॉल्ट है ना, तो आटे में भी सॉल्ट होना चाहिए। इसलिए मैंने दो तैयार कर लिया है, रख देती हूँ इसे भी थोड़ी देर के लिए, फिर हम थोड़ी देर बाद बनाएंगे। मांगो, तुम खुद से मांगो। नहीं लेने जी, नहीं देना है, नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, वो नहीं लिया जाएगा। क्यों झगड़ती हो तुम? बोलिए बेटा, कुछ बोलिए। ओए बोलो तो, बोलो तो, हेलो बोलो तो, आंटी जी को हेलो बोलो तो, नानी जी ना लगे तुम्हारे नानी जी लेंगे। बोलो प्रणाम की हो? नहीं जी, कितना प्रणाम, जाके प्रणाम करो। नहीं नहीं, क्या हो गया, क्या दिक्कत है, क्या हुआ है, क्या हुआ है? ताली बजा दो, तुम भी ताली बजा दो, बजा लो। ये ना बहुत ये बच्चा होगा। प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? गोद में भी रहना है। छोड़ेगी नहीं। अब तुम मेरी गोदी आ जाओ, आ जाओ मेरी गोदी, आओ तुम मेरी गोदी आ जाओ। बराबर, तुम तो बराबर। गाड़ी छोड़ के हम खेलेंगे। हाँ।